अब हम बात करके चलेंगे जी कम डेट, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के बारे में। ये टर्म्स बेसिकली यूज करी जाती है जब भी कोई कंपनी अपना कॉर्पोरेट बेनिफिट अनाउंस कर रही होती है, लाइक राइट शेयर्स, बोनस शेयर, डिविडेंड एक्सेट्रा। तो कम डेट का मतलब होता है कि उसमें कॉर्पोरेट बेनिफिट आपका इंक्लूडेड है, एक्स डेट का मतलब होता है कि उसमें कॉर्पोरेट बेनिफिट आपका इंक्लूडेड नहीं है इस डेट के बाद से, एंड रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो डिटरमाइन करी जाती है कि आप कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपकी कंपनी की रिकॉर्ड डेट आपकी 15th ऑफ द मंथ है, तो एक्स डेट एक रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले की होती है, वो रहेगी 14th ऑफ द मंथ, एंड आपकी कम डेट रहेगी तो 13th ऑफ दैट मंथ। अगर आपको कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट आपको अवेल करना है, लाइक बोनस, डिविडेंड, राइट शेयर, तो आप उस कंपनी के जो शेयर्स है 13th कम डेट यानी 13 से पहले परचेज कर सकते हैं, ताकि आप रिकॉर्ड डेट पर उसके लिए एलिजिबल हो सके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम डेट, एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट।